हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? नमस्कार, मैं हूं आदित्य पटेल और आप देख रहे हैं बिग बैंग टेक्निकल इन्फो। तो दोस्तों, मैं आज आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि HDR मोबाइल स्क्रीन और HDR मोबाइल स्क्रीन में अंतर क्या होता है। तो दोस्तों, HDR जो होता है हाई डायनामिक रेंज होता है, और HDR जो होता है सिंपल डायनामिक रेंज होता है। जो कि HDR पिछले बहुत समय से यह तकनीकी की दुनिया में एकदम धूम मचा रहा है। जो कि यह HDR जो होता है उससे बहुत ही बढ़िया फोटो आता है। आपने सुना ही होगा मोबाइल में जो होता है कि HDR मोड। पहले के मोबाइलों में HDR मोड नहीं होता था, तो फोटो उतना क्लियर और ब्राइटनेस और रंगों के साथ नहीं खींचा जाता था, और उसकी जो वीडियो क्वालिटी होती थी वो भी बढ़िया नहीं आती थी। लेकिन जब से HDR मोबाइल आ गया है, तब से उसमें जो होता है कि बहुत ही बढ़िया कलर करेक्शन भी आ जाता है और फोटो में ब्राइटनेस भी आ जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे होंगे, कुछ फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जो कि HDR और HDR में दोनों में अंतर दिखाएगा आपको। और HDR कैमरे में दोस्तों ये होता है कि उसका आधा सरफेस फीका होता है और बाकी सब ब्राइटनेस होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि HDR से खींचा हुआ फोटो एकदम क्लियर आता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ब्राइटनेस भी होता है और रंगीन भी होता है, और उससे जो फोटो की क्वालिटी होती है बहुत बढ़िया हो जाती है, और उसको जूम करने पर वो फटता नहीं है, जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे। तो वहीं अगर बात की जाए HDR सिंपल कैमरे की, तो उसमें जो होता है कि फोटो बढ़िया नहीं आता है। क्या हो अगर आपके पास ज्ञान बहुत हो लेकिन आप उसे डिस्प्ले ना कर पाए? वैसा ही होता है कि HDR से खींचा हुआ कितना भी बढ़िया से बढ़िया फोटो अगर HDR में लगाया जाए, मोबाइल से व्यू किया जाए, तो उसका क्वालिटी जो होता है उतना बढ़िया नहीं होता है। तो ऐसा ना हो इसी के कारण ही सभी कंपनियां HDR वाली डिस्प्ले बनाने लगी हैं और HDR कैमरा बनाना शुरू कर दी हैं। तो दोस्त, आपको पता होगा पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कोई कैमरा है तो वो हमारी आंखें हैं, उसी के बराबर हमारा डिस्प्ले। फोन कंपनियां ने इसी के आधार पर डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। HDR मोबाइल स्क्रीन और सामान्य स्क्रीन में अंतर क्या होता है? तो अंतर ये होता है, HDR डिस्प्ले किसी भी इमेज वीडियो को सटीक ढंग से प्रस्तुत करता है जो HDR फॉर्मेट में सेव किया गया हो, और ये सिंपल स्क्रीन की तुलना में अधिक रंगीन रंगों और बारीकियों को व्यक्त करता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस फोटो में वह बारीकियां और रंग देख सकते हैं। HDR डिस्प्ले के तीन फैक्टर्स होते हैं, जो कि पहला है ब्राइटनेस, दूसरा है कंट्रास्ट और तीसरा है कलर। ये सिंपल स्क्रीन की तुलना कहीं अधिकतर क्लियर विजुअल और रियल दिखते हैं। अब बात करते हैं ब्राइटनेस की। ब्राइटनेस प्रकाश की मात्रा का वर्णन करता है जो इसे एमिट करता है, मीन्स उत्पन्न करता है, जो स्क्रीन पर सबसे चमकदार और सबसे गहरे पिक्सल के बीच अंतर को निर्धारित करने में बदल जाता है। और HDR डिस्प्ले के द्वारा उत्पन्न बढ़ी हुई रोशनी अपने चमकदार पिक्सल को पहले की तुलना में अधिक चमकदार बनाती है, उन्हें सबसे गहरे रंग से अलग करती है। यह बढ़ा हुआ कंट्रास्ट अनुपात अधिक सूक्ष्म पिक्सेल टू पिक्सेल परिवर्तन और बेहतर इमेजेस उत्पन्न करता है। आपको कलर तो पता ही होगा, हम बात करने वाले हैं कलर डेप्थ की। हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में बहुत सारे कलर देखने को मिलते हैं, पर ये तीन कलर से ही मिलकर बने होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जो कि RGB जानने के बाद आपको कलर डेप्थ जानने की कोई परेशानी नहीं होगी। कलर डेप्थ से पता चलता है कि किसी डिस्प्ले के प्रत्येक पिक्सल में कितने बिट डाटा का उपयोग करके फोटो या वीडियो में रंगों का उत्पादन किया जा सकता है। HDR से पहले अधिकांश डिस्प्ले 8-बिट रंग से बने होते थे और वही सबसे टॉप माने जाते थे, लेकिन नए HDR प्रारूप 10-बिट या यहाँ तक कि 12-बिट रंगों को प्रोसेस करते हैं, जिससे संभावित रूप में ऑन स्क्रीन रंग विविधताएं तेजी से बढ़ रही हैं। हर एक बेसिक कलर में RGB को 8-बिट द्वारा रिप्रेजेंट करें तो अगर इनके कॉम्बिनेशन चेक करें तो केवल रेड के लिए 256 शेड्स, जी के लिए 256 शेड्स, बी के लिए 256 शेड्स, इन सबको मिला दें तो 16.5 मिलियन से ज़्यादा कलर वेरिएशन देखने को मिलेंगे। किसी कलर के विभिन्न रूप को शेड्स कहते हैं, जैसे कि डार्क रेड, लाइट रेड इत्यादि।
ह्यूमन आई जो होती है, हमारी आंखें जो होती हैं 16 बिलियन से ज़्यादा कलर देख सकती हैं। बेसिक कलर को 10 बिट में रिप्रेजेंट करें तो प्रत्येक बेसिक कलर के लिए 1024 शेड्स बनेंगे, और इन सबको मिला दे तो 1 बिलियन से ज़्यादा कलर वेरिएशन देखने को मिलेंगे, जिससे संभावित रूप से ऑन स्क्रीन रंग विविधताएं तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो ए एच डी आर और एस डी आर के डिस्प्ले का रिप्रेजेंट है। ऊपर दी गई इमेजेस को आप एच डी आर में ज़्यादा कंट्रास्ट, ज़्यादा ब्राइटनेस, ज़्यादा कलर देखने को मिलेगा आपको। ये फोटो सोनी एक्सपेरिया एक्स जेड से है, और यह दुनिया का पहला 4K एच डी आर वाला फ़ोन है। बोनस पॉइंट अगर मैं इसके बात करूं तो हमारी स्क्रीन पिक्सल से बनी होती है। पिक्सल छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो फोटो की डिटेल रखते हैं, और मतलब हर एक पॉइंट की कलर डिटेल। जिस फोन में पिक्सल जितने छोटे हैं उसकी इमेज उतनी ज़्यादा रियल नज़र आती है, उसको उतना फील कर पाते हैं। आप जब फोटो को जूम करते हैं तो उसके पिक्सल दिखने लगते हैं और वो फोटो बेकार लगने लगती है। रिजोल्यूशन पिक्सल से मिलकर बना होता है, जितने ज़्यादा पिक्सल उतना बड़ा रिजोल्यूशन होता है। जैसे कि 800x800 रिजोल्यूशन, इस रिजोल्यूशन में 6,40,000 पिक्सल हैं जो कि फोटो वीडियो को प्रदर्शित करते हैं। हाँ तो दोस्तों, यही था आज का इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन आपको बढ़िया लगा हो तो इस इन्फॉर्मेशन को आगे भी शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को लाइफ में भी कुछ वैल्यू एडिट हो सके। और उसके बाद में दोस्तों, अगर वीडियो ज़्यादा ही बढ़िया आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट अपना दे सकते हैं इस वीडियो के बारे में। और अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वेश्चन है तो आप उसको दीजिए, मैं उसका आंसर देने का प्रयास जरूर करूंगा। और दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।